आपको आज मैं ले चलता हूँ अकरकारा के खेती के तरफ। मैं बता रहा हूँ आपको जो बिछड़े इसका जो बोने का जो विधि है उसके विषय में आपको डिटेल में बता रहा हूँ। आप अकरकारा का जो बीज होता है मैं आपको उसको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। पहले जो होता है सॉलिड बीज होता है, उसका जो सॉलिड बीज होता है इस प्रकार से होता है। इसको हम पीस के, जैसे चोकर होता है जो गाय को हम लोग खिलाते हैं उस तरह जो चोकर बना लेना है। और इसका जो मिश्रण करने का जो छींटने का है, एक एकड़ के लिए मैं पूरा विधि आपको बता रहा हूँ। एक एकड़ में 5 kg अकरकारा, जैसे देखिए ऐसे चोकर बना लीजिए आप, इसको सिलवट से पीस करके इसको इस तरीके से चोकर बना लेना है। और इस जो पिसा हुआ जो चोकर आपके सामने अकरकारा का है उसमें 5 kg लेना है। और इसमें बालू वाला जो मिट्टी होता है जिसको भीस मिट्टी भी कहते हैं देहात में, दोमट मिट्टी का जो प्रारूप है उसी को मिलाते हैं 12 kg मिट्टी। और 2 kg जो है हाईटेक खाद जो आता है इसके लिए वो मिलाया जाता है। इसके बाद हम जब 12 kg मिट्टी, 5 kg अकरकारा का पिसा हुआ बीज और 2 kg खाद डालने के बाद सबको एक में अच्छे तरह से मिला लेते हैं। देखिए कैसे मिला रहे हैं, इसी तरीके से मिला लेना है। और इसी को एक एकड़ ज़मीन में अच्छे से हम लोग को पहले ज़मीन को पटा लीजिए। भूमि की सिंचाई करने के बाद जब थोड़ा सा पैर रखने जैसा हो जाए तो उस पर हम लोग एक एकड़ में पूरा उसको छिड़काव करते हैं और इसका प्रॉपर हम लोग ध्यान रखेंगे तो आगे आपको बहुत ही लाभदायक होता है। ये एक ऐसा औषधीय पौधा है जिससे किसान बहुत ही मुनाफा में जाएगा और इससे बहुत ज़्यादा क्षति भी नहीं है, आपको डिस्टर्ब भी नहीं होता है, इसमें जानवरों से भी बचाव रहता है, इसमें जानवर इसको ज़्यादा बर्बाद नहीं करते हैं। तो हम सभी किसान भाइयों से यही कहेंगे कि इस तरह का औषधीय पौधा लगाइए ताकि आगे आप बहुत बेनिफिटेड हों और आपको जितना भी जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है सब इसी तरीके के पौधा लगाने से आपको दूर और देश में आयुर्वेदिक का विकास हो। देश में जो स्वदेशी जो चल रहा है प्लान कि आप देश में अपना उपचार के लिए जो अपना मेडिसिन का जो भी प्रोसेस है वो देश का ही इस्तेमाल, जैसे पहले जो आयुर्वेदिक जो लोग ज़्यादा डिपेंड कर रहे ज़्यादा स्वस्थ थे, आज फिर से उसी चीज़ को हम लोग लेके चल रहे हैं कि घर घर में आयुर्वेद का सामान पहुँचाया जाए और कोई साइड इफेक्ट नहीं हो इस तरह का। जितना भी मेडिसिन आप यूज़ करिएगा उसमें आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा और कहीं से भी उसका असर आपके शरीर पर नहीं पड़ेगा। आप इसके लिए आश्वस्त रहिए और घर घर तक इस तरह का खेती करके है ना, खुद स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए, वेल्दी रहिए और लोगों को भी जागरूक करके, किसानों को जागरूक करके उनको भी आज जितने सारी समस्याएं हैं किसान का सबको दूर करिए है ना। मैं इसी विधि आपको बता रहा हूँ, इसी विधि के विषय में आप, मुझे विश्वास है कि आप लोग ज़रूर इस खेती को करेंगे और आगे जिस तरह का भी गाइड होगा आपको फ़ोन नंबर दिया गया है उससे बात करेंगे, ईमेल आईडी दिया गया है उसमें ईमेल करके भी पूछ सकते हैं और आपको बेहतर जानकारी आगे दी जाएगी। धन्यवाद। ओम शांति।